गाइस इट्स ब्लू पायरेट्स और आज हम बात करने वाले हैं सुपरगर्ल सीजन 1 के बारे में। एरोवर्स की फोर्थ सीरीज जिसमें अर्थ 38 को दिखाया गया है। सुपरगर्ल की रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही थी इसलिए उसके रीकैप शुरू करने पड़े। हाउस ऑफ कार्ड्स और द 100 पे भी मैं नेक्स्ट वीक से काम शुरू कर रहा हूँ। टाइटन सीजन 2 कम्प्लीट होने से पहले हम उसके सारे वीडियोस बना लेंगे। सुपरगर्ल के टीम मेंबर्स की पावर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जबकि फ्लैश एरो लेजेंड्स ऑफ द टुमारो के रीकैप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। अगर आप एरोवर्स के फैन हैं तो उसे हिंदी में डब करने के लिए मैंने एक पिटीशन शुरू की है जिसे आप जरूर साइन करेंगे, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्पॉइलर्स के साथ शुरू करते हैं। क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो रहा था इसीलिए जोरैल ने अपने सन कारेल को अर्थ भेज दिया, जिसके तुरंत बाद उसके बड़े भाई जोरैल ने अपनी डॉटर कारा को उसके पीछे उसका ध्यान रखने भेजा। शिप ऑफ कोर्स चला गया और फैंटम जोन में जा गिरा जहां टाइम का पता नहीं चलता। 24 साल के बाद शिप अचानक एक्टिव हो गया और अर्थ पे आ गया जहां पर सुपरमैन बड़ा हो चुका था। कारा फैंटम जोन में थी, इस हिसाब से दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच का एज डिफरेंस एकदम खत्म हो गया। सुपरमैन मेट्रोपोलिस में काम करता था और उसने कारा को डैनवर्स फैमिली को सौंप दिया जो नेशनल सिटी में रहते थे। यहाँ कारा की एक अडॉप्टेड सिस्टर है जिसका नाम है एलेक्स डैनवर्स। 12 साल बाद कारा नेशनल सिटी में मीडिया एम्पायर कैटको में जॉब करती है और हाँ उसने अपनी पावर्स हिडन रखी है। यह है कारा की बॉस मिस कैट ग्रांट और ये नॉर्मली सबसे बहुत ही रूड बिहेव करती है लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। एलेक्स की फ्लाइट क्रैश होने वाली थी इसीलिए कारा अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वर्ल्ड के सामने आती है जो बहुत ही फैंटास्टिक था। इस बारे में वो अपने साथ काम करने वाले बंदे स्कॉट को बताती है जिसे उस पर क्रश है। ये है जेम्स ओल्सन जिसे सुपरमैन ने कारा का ध्यान रखने भेजा है। ये एक्चुअली सुपरमैन का बेस्ट फ्रेंड है। वो इन सुपरगर्ल के लिए सूट बनाता है जो सीन आपको जरूर पसंद आएगा। सुपरगर्ल हवा में थी कि उसे क्रिप्टोनाइट शॉट से बेहोश किया जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशंस नाम के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है जिसे हम शॉर्ट में DEO कहें। शॉकिंग न्यूज, तो एलेक्स भी हिडनली यही जॉब करती है। ये उनके बॉस है हैंक हैंगशो जो पूरा DEO सिस्टम चलाते हैं। सुपरगर्ल जब अर्थ पर आई तब उसके साथ फोर्ट रॉस भी नीचे आया जो क्रिप्टॉन का एक हाईली सिक्योर्ड प्रिजन था। उस कारण से सारे क्रिमिनल्स अर्थ पर आ गए। वो लोग 10 साल से हिडन थे लेकिन अब वो लोग एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि कारा ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है। कारा की मदर अलूरा ने ही सब नमूनों को जेल में भेजा था इसलिए वो कारा से रिवेंज लेना चाहते हैं। सुपरगर्ल अपनी सिस्टर से थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि उसने DEO वाली बात छुपाई, पर बाद में कारा वॉर्टेक्स से फाइट करने जाती है और अपनी सिस्टर के मोटिवेशन से उसे डिफीट करती है। फर्स्ट एपिसोड के एंड में पता चलता है कि एस्ट्रा जो कारा की मदर की ट्विन सिस्टर है और कारा की आंट है वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहती है और इसीलिए वो अपनी फोर्सेस इकट्ठा कर रही है। सुपरगर्ल की ट्रेनिंग चालू है पर अपने ब्रदर की तरह वर्क एक्सपीरियंस ना होने के कारण सुपरगर्ल थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जिससे इस बंदे को मजा आता है। ये है मैक्स लॉर्ड, वैसे तो ये लेक्स लूथर जैसा ही है, इसे भी एलियन से प्रॉब्लम है पर उसके जितना इविल नहीं है। हेलग्रमाइट नाम का एक एलियन जो फोर्ट रॉस से भाग गया था DEO उस पर स्ट्राइक करती है लेकिन वो एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे एस्ट्रा के पास ले जाता है जो उसे एज अ बेट यूज करती है। हैंक एस्ट्रा को क्रिप्टोनाइट नाइफ से मारता है और एलेक्स हेलग्रमाइट को हराती है। एस्ट्रा को पता चलता है कि सुपरगर्ल की पावर्स उसकी ट्रेनिंग के साथ बढ़ रही है इसलिए वो अपने प्लान्स को डिले करती है। एलेक्स कारा को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती है। सुपरमैन के पास जैसे उसके फादर है वैसे ही सुपरगर्ल के पास उसकी मदर की आइडेंटिटी है। कारा जेम्स को एज ए सुपरगर्ल इंटरव्यू देती है जिससे जेम्स की जॉब बच जाती है। एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि हैंक की आंखें ग्लो हो रही है, इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। सुपरगर्ल कैट ग्रांट को एक इंटरव्यू देती है और उसमें गलती से बता देती है कि सुपरमैन उसका कजिन है, जिससे रिएक्ट्रॉन नाम का एक विलन उस पर अटैक करता है क्योंकि कुछ सालों पहले सुपरमैन ने उसके बम्बू लगाए थे। सुपरगर्ल उसे टेम्परेरी लेवल पे बीट कर देती है जिसके बाद वो मैक्स लॉर्ड को किडनैप करता है। जैसे मैंने बताया कि वो स्मार्ट और मल्टी बिलियनर कंपनी का मालिक है, मैक्स सूट को ठीक करता है जिसके बाद कारा वीएस रिएक्ट्रॉन फाइट होती है जिसमें कारा पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है पर सुपरमैन आके उसे बचा लेता है। कारा जेम्स से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने सुपरमैन को हेल्प के लिए बुलाया। मिस ग्रांट एक पार्टी रखती है जहां पे रिएक्ट्रॉन अटैक करता है। सुपरगर्ल को बचाने के लिए जेम्स उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और सुपरगर्ल उसे डिफीट करती है। कारा को जेम्स के लिए फीलिंग है पर वो बताने से पहले जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड लूसी आती है और उनका रिलेशनशिप वापस कंसिडरेशन में जाता है। मिस ग्रांट आउट ऑफ टाउन जाती है और अपने सन कार्टर को कारा के पास छोड़ जाती है जो सुपरगर्ल का बहुत बड़ा फैन है। एक बॉमर जिसे लॉर्ड कंपनी ने कुछ टाइम पहले निकाल दिया था वो लॉर्ड कंपनी के बिल्डिंग्स को उड़ा रहा है। DEO को दो बॉम्ब्स के बारे में पता चलता है, एक एयरपोर्ट और दूसरा न्यू बुलेट ट्रेन में।
हैंक अपनी पावर से उसे डिफ्यूज करते हैं, जबकि सुपरगर्ल बॉमर से बात करती है जिसकी डॉटर को कोई बीमारी है और वो उसी के लिए ये सब कर रहा है। सुपरगर्ल की हेल्प से कोई इंजर्ड नहीं होता। कारा को पता चलता है कि मैक्स लॉर्ड ने ही सारे बॉम्ब प्लांट करवाए थे क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि सुपरगर्ल पावरफुल है कि नहीं। मीनवाइल जेम्स लूसी को डेट नहीं करता पर कारा उसे मना लेती है, जो मेरे ख्याल से सुपर फ्रेंड जोन थिंग है। एक एलियन डीईओ से भाग जाती है। एलेक्स की मदर यानी कि डॉक्टर एलाइजा थैंक्सगिविंग के लिए आती है। विन भी वेला बैठा है इसलिए वो सबको ज्वाइन करता है। लेस्ली विलियम जो कैट को में जॉब करती है वो सुपरगर्ल पे कुछ जोक्स मारती है जिससे कैट उसे डिमोट करके ट्रैफिक रिपोर्टिंग का काम देती है। हेलीकॉप्टर पे बिजली गिरने से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर्स आ जाती है। वैसे बिजली गिरने से सभी केस में ऐसा नहीं होता। वो कैट से रिवेंट लेना चाहती है पर कारा उसे रोक लेती है। एलेक्स उसकी मदर को डीईओ के बारे में बताती है, जिसके बाद एलाइजा रिवेल करती है कि उसके हस्बैंड जर्माया भी डीईओ में जॉब करते थे पर कुछ अननोन रीजंस के कारण उनकी डेथ हो गई जो कभी सामने नहीं आए। सुपरगर्ल गुस्से में आके एक सिविलियन को हर्ट करती है। लूसी लेन के फादर यानी कि सैम लेन जो एक जनरल है वो डीईओ में सुपरगर्ल की पावर्स को चेक करने आते हैं और रेड टोर्नाडो का यूज करते हैं जो साइबॉर्ग की तरह डीसी यूनिवर्स का एक हाई इंटेलिजेंट रोबो है। सुपरगर्ल रेड टोर्नाडो का हाल खराब कर देती है जिसके बाद वो गम में चला जाता है और सैम लेन पे अटैक करता है पर बाद में पता चलता है कि आर्मी का एक टेक्नीशियन मैरो उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। एलेक्स और सुपरगर्ल मिलकर उसे डिफीट करते हैं। लूसी मिलिट्री से रिजाइन करती है ताकि वो जेम्स के साथ रह सके। सुपरगर्ल की पावर्स थोड़ी वीक पड़ रही थी। विन को पता चलता है कि जर्माया का लास्ट मिशन हैंक हैंडशो के साथ था जिससे टीम उस पर शक करती है। सुपरगर्ल को एक दिन के लिए पावर्स यूज करने नहीं मिलेंगी, जिसके बाद नेशनल सिटी में एक अर्थक्वेक आता है और कारा के पास कम पावर्स होने के कारण उसे नॉर्मली लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। थोड़े टाइम बाद ही उसकी पावर्स वापस आ जाती है। अर्थक्वेक के कारण डीयू की जेल से जिम नाम का एक प्रिजनर निकल जाता है जिसके पास साइकिक एबिलिटीज है। हैंक उसे रोकने जाते हैं और टीम को वापस भेज देते हैं। एलेक्स को शक होता है जिसके बाद वो हैंक को अरेस्ट कर लेती है। कुछ टाइम बाद एलेक्स जिम से फाइट नहीं कर पाती पर हैंक वहाँ पे आके उसे बचा लेते हैं। मीनवाइल जेम्स और कारा के बीच में केमिस्ट्री शुरू होती है लेकिन विन को ये पसंद नहीं आता। एपिसोड के एंड में रिवील किया जाता है कि हैंक लास्ट ग्रीन मार्शियन है और उनका नाम जॉन जोन्स है। उन्होंने रियल हैंक हैंडशो को मार दिया क्योंकि वो बहुत ही इविल टाइप का था। जर्माया ने उनकी जान बचाई और फिर उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनकी दोनों डॉटर्स का ध्यान रखेंगे, जिसके बाद से जॉन ने हैंक का फेस पहन के पूरा डीईओ सिस्टम चलाया। सुपरगर्ल और एस्ट्रा की फाइट होती है जिसमें सुपरगर्ल निकल जाती है। सेकंड फाइट में टीम उसे अरेस्ट कर लेती है। एस्ट्रा उसे बताती है कि वो क्रिप्टोन को बचाना चाहती थी पर उसकी सिस्टर ने कारा को एज अ बेट यूज किया और उसे पकड़ लिया। सुपरगर्ल इस बारे में अलूरा के एआई को पूछती है जो उसे रिप्लाई नहीं देती, जिससे कारा गुस्सा हो जाती है। एस्ट्रा सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए अरेस्ट होना चाहती थी ताकि उसका हस्बैंड नॉन लॉर्ड इंडस्ट्रीज पे अटैक कर सके। कारा उससे फाइट करने जाती है पर उसे रोक नहीं पाती। मीनवाइल कैटकॉम में मिस ग्रांट का ईमेल हैक हुआ जिससे कई इन्फॉर्मेशन सामने आई जो बहुत ही शॉकिंग थी। विन को लूसी और जेम्स की हेल्प से पता चला कि बोर्ड मेंबर ही उसे कंपनी से निकालना चाहते थे। टीम मिलके उसे एक्सपोज करती है। हैक्ड मेल से पता चलता है कि मिस ग्रांट का एक 24 साल का बेटा है जिससे वो बात नहीं करती। नॉन हैंक को किडनैप कर लेता है और मैक्स लॉर्ड को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है पर वो अपनी फैसिलिटी में कुछ इम्पोर्टेंट छुपा रहा है। नॉन हैंक के बदले एस्ट्रा को ट्रेड करने की डील करता है पर अब डीईओ की इंचार्ज सैम लेन है यानी कि सुपरमैन के ससुर जी, जो इस बारे में बात नहीं करते और एस्ट्रा को टॉर्चर करते हैं। एस्ट्रा उन्हें लोकेशन देती है जहाँ पे एक ट्रैप होता है और सैम के आदमी मारे जाते हैं। अलोरा ने एस्ट्रा को सिर्फ इसीलिए जेल में डाल दिया ताकि वो क्रिप्टॉन की बिगड़ती पोजीशन के बारे में किसी को इन्फॉर्म ना कर सके। हैंक हैंडशो की वापसी होने के बाद सैम और उसके टीम मेंबर्स डीईओ से जाते हैं। मीनवाइल कैट ग्रांट को कारा की सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाती है पर कारा रिफ्यूज करती है कि वो सुपरगर्ल है, जिससे मिस ग्रांट उसे फायर करने वाली थी। पर बाद में कारा जॉन जोन्स की हेल्प लेती है और अपनी सेफ शिफ्ट पावर से उसकी हेल्प करते हैं जिससे उसकी जॉब बच जाती है। विन और जेम्स मैक्स लॉर्ड पे रिसर्च करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर जेम्स रास्ते में ही पकड़ा जाता है। मैक्स उसका कैमरा तोड़ देता है और उसे जाने देता है पर एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि मैक्स के पास एक एलियन है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। विन के फादर जो गरीबों के ट्रिक्स्टर है, वैसे उनका नाम टॉय मैन है, जो डीसी यूनिवर्स के साइकोपैथ विलन्स में से एक है। वो जेल से एस्केप करते हैं और एफबीआई विन के पीछे आती है, जो बहुत ही एंबैरेसिंग था। वो अपने राइवल को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट्स करते हैं पर सुपरगर्ल और टीम उसे बचा लेती है, जिसके बाद टॉय मैन वापस जेल जाता है।
लूसी कैट को मीडिया में जॉब एक्सेप्ट करती है और विन अपने दिल की बात कारा को बताता है, पर कारा उसे फ्रेंड जोन कर देती है। एलेक्स मैक्स के साथ डेट पे जाती है, वैसे ये कोई डेट नहीं है, बस कैजुअल डिनर है जिससे जॉन उसके सीक्रेट जान सके। वो लॉर्ड टेक में एंटर होता है जिसके बाद उन्हें एलियन थ्रेट का पता चलता है। मार्शियन गार्ड की मेमोरी इरेज करके वहां से निकल जाते हैं। देखा जाए तो मैक्सवेल सबका बाप है, इसलिए वो एलेक्स के पर्स में एक कैमरा रखता है जिससे उसे सुपर गर्ल की सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाती है। मिरिंडा क्रेन जो एक एंटी एलियन सेनेटर है वो नेशनल सिटी आती है और उस पर कुछ व्हाइट मार्शियंस अटैक करते हैं। कारा क्रेन को बचाती है और उन्हें डीईओ ले आती है। व्हाइट मार्शियंस और जॉन की ज्यादा बनती नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी ग्रीन मार्शियन कम्युनिटी को खत्म कर दिया। कारा को पता चलता है कि क्रेन व्हाइट मार्शियन है क्योंकि वो भी शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं। टीम उसके पीछे जाती है पर वो निकल जाती है, लेकिन अपने साथ एलेक्स को ले जाती है। हैंक अपनी लाइफ के बदले एलेक्स को बचाने वाले थे, पर इससे पहले सुपरगर्ल आके उन्हें बचा लेती है। कारा और विन वापस फ्रेंड्स बन जाते हैं। कैट ग्रांट के सन के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक करने के लिए कारा उनके सन एडम को लेटर लिखती है जो पहले कैट ग्रांट को पसंद नहीं आता। एडम कैटको में विजिट लेता है जिसके बाद कैट ग्रांट और एडम के रिलेशन भी ठीक हो जाते हैं। एडम कारा को डेट के लिए पूछता है जो कारा एक्सेप्ट करती है। सुपरगर्ल की हमशक्ल नेशनल सिटी में अपीयर होती है जो अच्छी बात नहीं है। ये बंदी एक्चुअली न्यू टाइप की क्लोन है जिसे मैक्स ने बनाया है और इसका प्राइम टारगेट सुपरगर्ल को मारना है। मिस कैट ग्रांट इसे बिजारो नाम देती है। सुपरगर्ल लोगों को बचाती है इसलिए बिजारो को लगता है कि वो अच्छी है, पर बाद में मैक्स उसे वापस भड़काता है इसलिए वो कारा पे अटैक करती है जब वो एडम के साथ डेट पे थी। डीईओ क्रिप्टोनाइट का यूज करके बिजारो को डिफीट करने जाती है पर वो निकल जाती है। अपनी लाइफ डेंजर में होने के कारण कारा एडम से बात नहीं करती क्योंकि वो उसे डेंजर में डालना नहीं चाहती। बिजारो जेम्स को किडनैप करती है जिसके बाद सुपरगर्ल उसे बचाने जाती है। एलेक्स उसे बचाने के लिए मॉडिफाइड क्रिप्टोनाइट का यूज करती है। टीम उसे डिफीट करके डीईओ ले जाती है जहां उसकी डेथ हो जाती है, जो बहुत ही सैड था। एलेक्स मैक्सवेल को अरेस्ट करती है क्योंकि वो सुपरगर्ल का ट्रुथ जानता है। वो एलाइजा को इनडायरेक्टली थ्रेट करता है पर इससे एलेक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारा पे एक वियर्ड सा पौधा अटैक करता है। मुझे लगा ग्रूट है पर नहीं, ये ब्लैक मर्सी है जो लोगों को ड्रीम्स में कैप्चर रखता है। इससे किसी की जान नहीं जाती पर इससे निकालने से वो पर्सन मर जाएगा। ये एस्ट्रा और उसके हस्बैंड नॉन ने भेजा है जिससे सुपरगर्ल को बिजी रखा जा सके और वो लोग अपना काम करते रहे। एलेक्स कारा के ड्रीम्स में जाती है जहाँ क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो कारा को वापस आने के लिए कन्विंस करती है जो बहुत ही डिफिकल्ट था। एंड में कारा मान जाती है जिसके बाद टीम एस्ट्रा के गुंडों से निपटने जाती है। सुपरगर्ल नॉन से फाइट करती है, तब एस्ट्रा जॉन को मारने वाली थी पर इससे पहले एलेक्स ने उसे मार दिया, जिसके बाद जॉन ने सारा ब्लेम अपने पे ले लिया और सुपरगर्ल और जॉन के रिलेशनशिप थोड़े बिगड़ गए। कारा और नॉन दुश्मनी बुला के एस्ट्रा के फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ नॉन कारा को मारने की धमकी देता है। टीम डीईओ एक एलियन को फाइंड करती है जो फोर्ट रोज में गार्ड था। अब वो विजिलेंटी बन चुका है और एलियंस को मार रहा है जो सही नहीं है, इसलिए कारा उसे डिफीट करने जाती है। एस्ट्रा और नॉन माइराइड नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो क्रिप्टॉन का एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था। अलूरा का AI इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कैट जेम्स और लूसी को मैक्स के डिसअपीयरेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है, लेकिन उन दोनों में टेंशन इंक्रीज होती है क्योंकि लूसी को पता चल जाता है कि जेम्स डीईओ और सुपरगर्ल के साथ काम कर रहा है। डीईओ मैक्स को रिलीज करते हैं और साथ ही साथ सारी बातें क्लासिफाइड रखने के लिए कहते हैं। ऑफिस में कारा को कॉम्पिटिशन मिल जाता है क्योंकि कैट ग्रांट एक न्यू असिस्टेंट को हायर करती है जिसका नाम है सिबोना स्माइथ। एस्ट्रा की डेथ के बाद कारा डीईओ के साथ काम नहीं करती। एक हैकर कुछ लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक करके कैट ग्रांट को देती है पर वो उस पर फोकस नहीं करती। पता चलता है कि वो हैकर इंडिगो नाम की एक एलियन है और उसने न्यूक्लियर कोड हैक करने की ट्राई की जो सक्सेसफुली उसे मिल गए और उसने नेशनल सिटी पे एक मिसाइल दे मारी, पर सुपरगर्ल ने डीईओ के साथ रहकर उसे रोक लिया। वो सुपरगर्ल को बताती है कि उसने ही फोर्ट रॉस से कारा की शिप को हैक किया जिससे वो अर्थ पे पहुंच सकी। कारा को उसे थैंक यू बोलना चाहिए पर जाने दो। एलेक्स एस्ट्रा वाला ट्रूथ कारा को बताती है जिसके बाद कारा जॉन से माफी मांगती है। वेन और सिबोना रिलेशनशिप में आते हैं जबकि जेम्स और लूसी ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि लूसी को लगता है जेम्स कारा से लव करता है। एक जगह पे लोगों को बचाते सुपरगर्ल रेड क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आ गई जिससे उसके माइंड पे असर हुई। हम ये कह सकते हैं कि उसमें बिच मोड एक्टिव हो गया। वो सबको डिसरिस्पेक्ट से बुलाने लगी। उसने सिबोना का ईमेल यूज करके कुछ डिटेल्स लीक कर दी जिससे सिबोना की जॉब चली गई। सुपरगर्ल ने मिस ग्रांट को छत से नीचे फेंक दिया, सबके साथ बहुत ही रूड बिहेव किया और भी बहुत कुछ किया, पर मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूंगा। रेड क्रिप्टोनाइट को एक्चुअली मैक्स लॉर्ड ने बनाया था जिससे नॉन के सामने फाइट की जा सके। कैट ने टीवी पे सुपरगर्ल को एक थ्रेट डिक्लेयर किया जिसके बाद एलेक्स और मैक्स ने डीईओ की हेल्प से सुपरगर्ल को रोक लिया। ये सीन बहुत ही इमोशनल था जिसमें कारा सब रिग्रेट करती है। सुपरगर्ल को कस्टडी में लेने से पहले मार्शियन मैन हंटर ने अपनी आइडेंटिटी पब्लिक कर दी जिससे उसे अरेस्ट किया गया। सुपरगर्ल वापस नेशनल सिटी का ट्रस्ट जीतने की ट्राई कर रही है और डीईओ में मरीन कर्नल जेम्स हार्पर जॉन को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। जॉन अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अर्थ आया और जर्माया ने उसे बचाने की ट्राई की जबकि रियल हैंक शॉ ने उसे मारने की ट्राई की, पर एजेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हैंक और एलेक्स को अरेस्ट किया जाता है और प्रोजेक्ट कैडमस की ओर ले जाया जाता है। लूसी और सुपरगर्ल टीम अप करके
उन्हें बचा लेते हैं। और हाँ, अब लूसी भी कारा की सीक्रेट आइडेंटिटी जानती है। हैंक को पता चलता है कि जर्माया अभी जिंदा और कैडमस प्रोजेक्ट में है। एलेक्स और हैंक को भागना पड़ता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से पुलिस से बच के निकल जाते हैं। पर उससे पहले वो हार्पर का माइंड क्लियर करते हैं और लूसी को डीईओ के चीफ बनाते हैं, जिससे सुपरगर्ल को प्रॉब्लम ना हो। कैटकॉम में सुबो ने कारा पे रिवेंज लेने के लिए कारा के मेल से मिस ग्रैंड को मेल भेजती है, पर वेन उसे पकड़ लेता है। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि उसके पास ब्लैक कनेरी जैसी पावर्स हैं। वो अपनी फैमिली की बेंशी है, मतलब ये सब वेन में आता है, लोगों को मारना और रिवेंज लेना। इसलिए वो लाइव वायर को फ्री करती है, जो मिलके सुपरगर्ल को मारने का प्लान बनाते हैं। उसने अपना नाम सिल्वर बेंसी रखा है, जो WWE से कॉपी हुआ है। वो दोनों कैट ग्रांड पे अटैक करती है और कारा नीचे गिर जाती है, पर फ्लैश उसे बचा लेता है, जो गलती से मल्टी यूनिवर्स में ट्रैवल कर गया। फ्लैश टीम सुपरगर्ल से मिलता है। कैट ग्रांड को फ्लैश ज्यादा पसंद नहीं आता और जेम्स को भी उससे जलन होती है, क्योंकि वो सुपरगर्ल के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। फ्लैश काम निपटा के वापस जाता है, जिसके बाद कारा जेम्स को प्रपोज करने जाती है। पर तभी जेम्स और पूरी सिटी को माइंड कंट्रोल कर लिया जाता है, और यही नॉन का माइरेड प्रोजेक्ट है। सुपरगर्ल को पता चलता है कि माइरेड एक माइंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करेंगे और उनसे जो मर्जी करवाएंगे। पूरा सिटी उनके कंट्रोल में होता है, इवन सुपरमैन भी, क्योंकि वो भी अर्थ पे बड़ा हुआ है। सुपरगर्ल पे इसका असर नहीं होता, क्योंकि उसका ब्रेन क्रिप्टॉन में ग्रो हुआ है। मैक्स लॉर्ड और मिस ग्रांट बच जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने उन दोनों के लिए एक डिवाइस बनाया है। डीईओ में भी हालात बहुत बुरे हैं, जिससे सुपरगर्ल को ट्रबल हुई। एलेक्स और जॉन एलाइजा को मिलने जाते हैं और उनको उनके हस्बैंड के बारे में बताते हैं, जिसके बाद टीम सुपरगर्ल के हेल्प के लिए जाती है और एस्ट्रा की मौत का बदला लेने के लिए नॉन एलेक्स का माइंड कंट्रोल कर लेता है। कारा माइंड कंट्रोल एलेक्स से फाइट करती है, एलाइजा उसे बात करती है और उसके माइंड कंट्रोलिंग से उसे बाहर निकालती है। टीम को पता चलता है कि लोगों के माइंड को ठीक किया जा सकता है, बस उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है, जिससे टीम रेडियो पे सबसे बात करने जाती है। इंडिगो नॉन को मनाती है, जिससे वो माइराइड की इंटेंसिटी को बढ़ा सके और पूरे वर्ल्ड के लोगों को मार सके। पर इससे पहले मार्शियन मैन हंटर और सुपरगर्ल टीम अप करके उन्हें रोकने चले जाते हैं। माइराइड को फोर्ट रॉस से ताकत मिल रही है। कारा और नॉन हीट विजन फाइट करते हैं, जिसमें कारा जीत जाती है और मार्शियन मैन हंटर इंडिगो के दो टुकड़े कर देता है। लेकिन वो बताती है कि टीम उसे हरा नहीं पाएगी, क्योंकि माइराइड फोर्ट रॉस से कनेक्टेड है। सुपरगर्ल फोर्ट रॉस को हवा में ले जाती है, जो नॉर्मली सुपरमैन यूनिवर्स का प्लॉट है, कोई भी चीज हवा में ले जाना। सुपरगर्ल वहां मरने वाली थी, पर एलेक्स आके सुपरगर्ल को बचा लेती है। जॉन को वापस डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। मिस ग्रांट कारा को प्रमोट करके रिपोर्टर बनाती है और उसके सेलिब्रेशन के टाइम में क्रिप्टोनियन पोर्ट अर्थ पे गिरता है, जिसे खोलते ही सीजन 2 कंप्लीट होता है। टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे? टाइटंस पे काम चालू है। सजेशंस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।